जी सर, मैं उल्फत सिंह कठेरिया, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा फरीदपुर और जनसेवा सहायक पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ बरेली। और जो सरकार काला कानून लाई है उसके विरोध में किसानों के साथ तन मन धन से और खड़े हैं हम। जब तक सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती तब तक हमारी जनसेवा सहायक पार्टी इनके लिए समर्थन देती रहेगी और इनके साथ जो भी हो उस संभव सारे प्रयास हमारा रहेगा इनको समर्थन देने का, बराबर लगातार। और मुक्ति मोर्चा के साथ, बहुजन मुक्ति मोर्चा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रहेंगे और जब तक इनका धरना प्रदर्शन यहाँ रहेगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, धन्यवाद। बहुजन क्रांति मोर्चा से बरेली मंडल अध्यक्ष हूँ और जनसेवा सहायक पार्टी से प्रदेश महामंत्री हूँ। ये जो काले कानून लाए गए हैं हम पूर्ण तौर से इसका विरोध करते हैं। हमारी पार्टी और हमारा क्रांति मोर्चा सभी लोग इसका विरोध करते हैं और जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे हम तन मन धन से किसानों का समर्थन करते रहेंगे और डटे रहेंगे। और 26 जनवरी को हम लोगों का प्लान है कम से कम 100 ट्रैक्टर लेकर के हम दिल्ली पहुँचे। और सिंह वर्मा जी, मेरा नाम सुशील गौतम है, मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का जिला संयोजक बरेली से। आज जो तीसरे दिन का राष्ट्रीय किसान मोर्चा का आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और मैं इनका साथ देने के लिए तैयार हूं। और साथ ही जो तीन जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है और तीन कमेटियां बनाई हैं उसमें जो लिए गए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं किसान उनको किसी को नहीं लिया गया, उनको ना ले, जो पहले से समर्थन है सरकार के वो कहते हैं कानून बिल्कुल सही है। अरे जब कानून सही है तो किसान कौन लोग बैठे हैं? वो आपका कहने का मतलब वो खालिस्तानी है या पाकिस्तानी है या आतंकवादी है? वो किसान है, वो सही माने में तो किसान है। लेकिन जो आप जो मिले हुए दलाल टाइप के लोग, जो सरकार से मिले हुए लोग, वो कह रहे हैं ये कानून सही है, उसका कानून का विरोध करते हैं। वो किसान कहीं जाने वाले नहीं है, वो किसान वहीं धरना देंगे और 26 तारीख की उस परेड में सबको सलामी देने का अधिकार है। किसान बड़े लेवल पे जाएगा, बरेली से भी जाएगा, पूरे भारत से जाएगा और सभी वर्ग के लोग जाएंगे। राष्ट्रीय किसान मोर्चा।